Hey guys, welcome back to another video in our PR series. And first, before even starting this video, we would like to apologize कि हमने almost 2 weeks तक कोई भी videos नहीं डाले हैं PR series में या फिर कोई भी other videos जो हमने plan किए थे हमने कुछ भी post नहीं किया. So उसके लिए so sorry. इट्स जस्ट दैट हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे काम में और हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था एक भी वीडियो बनाने का या फिर उसको पब्लिश करने का. सो वी थॉट कि हम एक बार फ्री हो जाते हैं और उसके बाद से हम वापस से वीडियोस बनाना शुरू करेंगे. सो दिस इज व्हाई वी केम बैक. सो वी आर बैक विथ अनदर वीडियो ऑन PR सीरीज. लास्ट जो वीडियो थी वो हमारी हाउ टू कैलकुलेट CRS स्कोर थी और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे इनपुट्स आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर क्वेश्चन पूछा और हमने उसके आंसर्स भी दिए हैं. तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए जो उसका नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ टू क्रिएट योर प्रोफाइल, आज उसके बारे में हम देखेंगे कैसे आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या उसमें चीज़ें लगेंगी. सो यूजुअली लोगों को PR अप्लाई करना खुद से बहुत ही बड़ा हेक्टिक काम लगता है और उनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कुछ गलतियां ना हो जाए या फिर इतने सारे एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं और इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं तो हम कैसे करेंगे. सो ये वीडियो हमने आप सबके लिए बनाया है कि आप खुद से विदाउट एनी कंसल्टेंट्स हेल्प, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना किसी कंसल्टेंट के हेल्प के आप खुद से PR एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं. तो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी होते हैं जब आप PR अप्लाई कर रहे होते हो या फिर अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हो तो आपके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं. तो वो सारे डाउट्स होपफुली इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा. So let's go to the website and create Express Entry Profile. So अपनी Express Entry Profile क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कैनेडा इमिग्रेशन टाइप करेंगे यहाँ एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक. ये कैनेडा की वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगी. इसके बाद आपको यहाँ करना है माई एप्लीकेशन और क्योंकि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन. यहाँ पे ये दो डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, एक GC की और एक साइन इन पार्टनर. सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो यू आर सिलेक्टिंग साइन इन विथ GC की, नॉट साइन इन पार्टनर इफ़ यू ऑलरेडी हैव क्रिएटेड योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. अगर नहीं क्रिएट किया है देन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर. एज आई ऑलरेडी मैंशन कि हम लोगों को GC की प्रोफाइल क्रिएट करना है सो वी नीड टू रजिस्टर विद GC की. सो हियर यू हैव साइन इन ऑप्शन एंड यू हैव साइन अप ऑप्शन हियर. सो क्योंकि हमने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है सो वी हैव टू साइन अप फर्स्ट. आई एक्सेप्ट. Now we have to create our username. So I'll just say Chimes of Life 04. Continue. Create password. And then so now you will get all these recovery questions. So ये जितने भी questions हैं उसके answers आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं खुद से अपने questions select करके और अपने answers देने होते हैं and you need to memorize all these. So you have to save whatever you are inputting here क्योंकि ये later on आपको अपने account में कोई changes करने या जब भी आप sign in करते हो उस time पर अपने messages check करने के लिए या फिर अगर मान लो आपने आपको password याद नहीं है तो आपको password recover करना है. So everywhere these questions and answers will help you. So make sure कि जो भी आप यहाँ पर question और answer fill कर रहे हो वो आप कहीं ना कहीं save कर रहे हो. So I will just memorize everything. So I'm mentioning it again क्योंकि ये helpful होते हैं बहुत ज़्यादा और ये आपके पास होने ही चाहिए. So you can now click on continue. And then this is my username and they have said that you have successfully created your GC key. So मेरा GC key account create हो गया है. Now I can click on continue. I accept. So now this is my account creation page जहाँ पे मैं अपना account create करूँगी immigration के लिए, I mean express entry के लिए. So give whatever name you want to give. So we'll just say Chimes of Life.
सो यहाँ पे एक और चीज़ है, गिवन नेम जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लास्ट नेम मैंडेटरी है, बट यू हैव टू गिव योर गिवन नेम एंड लास्ट नेम अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव इन योर पासपोर्ट. जो भी आपके पासपोर्ट में है एग्जैक्टली वैसे ही देना है. एंड इन सम केसेस आपके पासपोर्ट पे आपका कोई लास्ट नेम नहीं होता है, आपका सिर्फ फर्स्ट नेम होता है. फॉर दोज केसेस आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या आपके आपका जो भी पूरा नेम है वो लास्ट नेम में फिल करना है एंड यू कैन क्लिक नेक्स्ट. सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल. So now I'll give my email ID and preferred language is English and I'll click on continue. So these are again some of the security questions that I am filling here. और यहाँ पे ये सारे security questions हैं, ये आप हमें हमेशा अपने पास save करके रखना है क्योंकि ये questions जो हैं ये हमें आगे help करेंगे. So you can give any question and you can give whatever answer you can memorize or जो भी आपको suitable है. So I'll just write down some random questions and answers. And these are some random answers and random questions. Click on continue. So ये हमारा profile create हो गया है, Chimes of Life's account. So this is how your Express Entry account will look like. और यहाँ आपका account home, account profile, you can log out and all these informations are given here. तो यहाँ अभी जो भी application आप submit करोगे, so let's say we are submitting Express Entry profile. तो जैसे ही आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करते हो, जब आप साइन इन करोगे अपने इस अकाउंट में, तो यहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन नंबर और आपके नाम के साथ, वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा. सो सिंस वी डोंट हैव एनीथिंग, वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग हियर नाउ, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को इस लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई टू कम टू कैनेडा. सो नाउ दिस इज़ द प्रोसेस, और ये एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस है. दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग आर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल टू गेट इन टू द पूल. सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है पर्सनल रेफरेंस कोड. सो पर्सनल रेफरेंस कोड क्या होता है कि जब भी हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के थ्रू, तो उसके एंड में एक रेफरेंस कोड आपको मिलता है. उस रेफरेंस कोड की एक वैलिडिटी होती है लाइक 14 डेज और 15 डेज. उसके विद इन अगर आपने ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करी है, तो आप अपना वो रेफरेंस कोड यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो. तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें आपको वापस से अपना एलिजिबिलिटी चेक करना होता है. सो हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखा है जो आई बटन में हमने लिंक कर दिया है, यू कैन गो एंड विजिट. और अगर आपको आई बटन में वो लिंक नहीं दिख रहा है, तो यू कैन विजिट आवर चैनल, वहाँ पे एक हाउ टू चेक योर एलिजिबिलिटी करके वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हो. और उसमें इन डिटेल एक एक क्वेश्चन और आंसर के बारे में दिया हुआ है. बट जस्ट फॉर दिस वीडियोज रेफरेंस मैं फिर से एलिजिबिलिटी चेक करके दिखाऊंगी, सो दैट वी नो कि कैसे करना है जिसके पास भी ये पर्सनल रेफरेंस कोड नहीं है. सो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आई डोंट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड. सो इफ़ यू डोंट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, यू मे आंसर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन. सो वो सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछेंगे. तो हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है बेसिकली सबसे पहले. सो सिंस वी आर अप्लाइंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री, वी विल क्लिक हियर. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं थोड़ा क्विकली मूव करूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो इस पे बना रखा है. स्टिल आई विल मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द प्रोविंस और टेरिटोरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन. दिस इज अ क्वेश्चन, इसके बेसिस पे कुछ नहीं होता, बट दे जस्ट वॉन्ट टू चेक द एलिजिबिलिटी. तो आप कोई भी टेरिटोरी सेलेक्ट कर सकते हो आपकी चॉइस का. सो आई हैव चोजन ओंटारियो. सेकेंड इज यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स for all programs. So which language test did you take for your first language? So ye language test ke liye pooch raha hai. So we'll select IELTS and click on next. ये IELTS आपने कब दिया है? This is just to check कि आपके जो आपका IELTS score है ये valid है कि नहीं. So I'll just select my IELTS date. और यहाँ पे मुझे अपना score select करना है. So आपको जो भी score आया है each section में वो आपको यहाँ पे फिल करना है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट? सो आई डोंट हैव, सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग नन.
इन द लास्ट 3 years, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा? सो यहाँ पे कैनेडा के अंदर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो विल सिलेक्ट नन. इफ़ यू डोंट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्लीज चूज नन ऑफ द अबव. सो नन ऑफ द अबव, ये NOC कोड के बारे में क्वेश्चन था. तो सिंस वी डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा, वी डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. Now, in the last 10 years, how many years of skilled experience do you have? It must have been continuous paid full-time. So, ये आपकी international experience के बारे में पूछ रहा है. So, we'll give 6 or more. आपको ये अपने according देना है, जो भी आपकी आपका experience है, उसके लिए देना है. Then, in the last 5 years, do you have at least 2 years of experience in one of these types of skills? ये सारे specific कुछ trade से related, skill trade से related NOC codes हैं. So we'll just move on to the next thing. If you are not sure about the NOC code for your job, you can find it on the Find Your NOC page. So इस video के description में हम आपको NOC code कैसे check कर सकते हैं उसका link डाल देंगे. Just for your reference, this is how you can check your NOC code. So यहाँ पर ये सारे NOC code दे रखे हैं. So you can just visit this website and check कि आपका जो भी experience है वो कौन से NOC code में fall करता है. And now I'm just selecting none. Now, how much money in Canadian dollars will you bring to Canada? ये express entry, अगर आप Canada आ रहे हो, Canada government wants to make sure कि आप अपना और अपनी family का जितना भी खर्चा है वो bear कर सकते हो. So that is why they always ask for proof of fund. If you have a job, यहाँ आने से पहले आपके पास अगर कोई job है, then you don't need a proof of fund. But अगर आपके पास job नहीं है, so you have to make sure कि आपके पास proof of fund है. And this is how you can see कि आपको based on number of family members, आपको कितना proof of fund चाहिए. So if you are single, 12,960 is the amount that you need to take from India or whatever is your home country. Itni dollars aapko Canada leke aane hain while at the time of traveling. Agar do hain to fir itne, agar teen hain to fir itne. So ye link bhi hum aapko description box mein dal denge so that you can validate according to your situation. So I'll just say 12,000 to 16,000. How many family members do you have? So I'm selecting one. अगर आप married हैं और अपने dependent के साथ आ रहे हैं, so you have to select two. But just for the simplicity कि ये बहुत lengthy video ना हो, उसके लिए मैंने select कर लिया है one. Do you have a valid job offer in Canada? अगर आपके पास है, then you have to select yes. अगर नहीं है, तो no. हमारे case में था yes, तो हमने yes select किया था. But most of the times ये no होता है, so just select no and click on next. What is your date of birth? So select your date of birth and your date. The next question is, what is the highest level of education for which you have earned a Canadian degree, diploma or certificate or have had an educational credential assessment? If you didn't earn a Canadian degree, you will need to have your foreign education assessed. So yahan pe ye bol raha hai ki agar aapke paas koi Canadian degree hai to kya highest level of education hai. Agar aapne Canadian degree earn nahi kari hai to fir आपका जो ECA आपने कराया है उसने आपको जो भी डिग्री वेरीफाई करके और वैलिडेट करके जो भी इक्विवेलेंट आपको डिग्री दिया है वो क्या है. सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस. सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग बैचलर्स डिग्री एंड क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. चेक ऑल दैट अप्लाई. आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कैनेडा फॉर 2 years. आई हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा. आई हैव रिलेटिव इन कैनेडा. सो ये कुछ भी हमारे सिचुएशन में नहीं है, सो हम सेलेक्ट करेंगे नन ऑफ द अबव. The next is, what is your marital status? So based on your marital status, you will select it. Right now I'm selecting as single, clicking on next. And this is my result. And based on my answers, I appear to be eligible for express entry. So this is how you need to check your eligibility. And now you can just click on continue. अब ये हमारा जो है ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है. सो नाउ वी विल फिल आवर एप्लीकेशन हियर. व्हाट इज़ योर लास्ट नेम? सो आई विल जस्ट गिव व्हाट एवर आई हैव ऑलरेडी फिल्ड देयर. व्हाट इज़ योर जेंडर? व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? सो जो भी मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है वो प्री फिल्ड आ रहा है यहाँ पे. व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? सो यहाँ नेवर मैरिड.
Now this is the page where you will see all the different application forms that you have to fill आपके express entry profile को create करने के लिए और उसको pool में enter करने के लिए. So you will have all these forms जो आपको एक-एक करके fill करना है. So let's start filling the first form. So now the first form is your profile details. So आपको अपने बारे में यहाँ बताना है. So I have already filled all the details. So यहाँ पे ये pre-filled आ रहा है. I am just clicking on next. ये personal description about gender, date of birth. So everything I have selected already. वो यहाँ पे pre-filled आ रहा है. And now I have to just select my country and city of birth. Then again, this is the marital status. ये pre-filled आ रहा है. Now ID and documents. So does Chimes of Life have a passport or national ID document? So yes. Then what is your document type? So passport or travel document. Your document number. So right now I'm just giving a random number. Country of issue. So जहाँ से भी आपका ये issue हुआ है passport, वो आपको select करना है. Issue date is 2017, let's say. आप अपना issue date जो है वो year, month और day के साथ आपको यहाँ पे fill करना है. So just make sure कि आप अपना passport देख रहे हो और passport का जो issue date है वो यहाँ पे fill करना है. And the expiry date. So let's just select the random dates. आपको अपने expiry date, अपने passport के according expiry date select करनी है. And then save and add. So this has been added to this table जो हमने यहाँ पे अभी fill किया है. And then we'll click on next. Next is immigration history and citizenship. So ये पूरी history जो immigration history होती है उसके बारे में है. So there are some questions that we have to answer. So first question is, has Chimes of Life applied to immigration, refugees and citizenship Canada before? So it is no. Countries of citizenship. So this is asking you about your country of citizenship. तो जो भी आपकी home country है उसकी आपको citizenship है. So you will fill this. And sometimes what happens कि लोगों के पास एक से ज़्यादा country की citizenship होती है. So you will just click on insert row और आप अपनी दूसरी country की citizenship की भी information डाल सकते हो यहाँ पे. And then country of residence. Again it's India. And click on next. Now this is about family. So this section is everything about your family, कि आपके कितने family members हैं और उनसे related सारी information. So the first question is, how many family members does Chimes of Life have? This includes Chimes of Life, a spouse or partner, dependent children and the dependent children. So यहाँ पे आपको include करके and आपके spouse या आपके जो भी partner हैं और आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे, बस इतने लोग होते हैं जो आपके family members में consider किए जाते हैं. So even if they are not accompanying you, अगर आप अपनी wife का application साथ में नहीं लगा रहे हो but you have a wife or husband and you have some kids, तो आपको उन सारी details को यहाँ पे fill करनी है. So let's say you have your spouse with you but they are not even accompanying you, in that case also आपको यहाँ पे two select करना है. But since we have selected single और हमारे पास कोई dependent नहीं है, so I'll just select one. And how much money in Canadian dollars will Chimes of Life bring to Canada to support themselves and their family? So ये question है आपके fund के लिए. So जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये depending on कितने family member हैं, Canada government ने एक fund जो है वो allocate कर दिया है कि आपके पास minimum इतना होना चाहिए और इतने का proof आपको दिखाना है when you are travelling. So उसके according आपको यहाँ पे fill करना है. So I'll just say $17,000. ये Canadian dollars में होता है and click on next. अब ये relatives in Canada section है जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपके कोई भी relatives जो हैं वो citizen हैं क्या या permanent resident of Canada हैं क्या. इसके भी कुछ points मिलते हैं but in our case it is no. So we'll just say no and save and exit. So you can see पहला जो personal details form है ये हमने fill कर दिया है. Now we'll go to the second form which is contact details and we'll click on start form. Now the first question is language of correspondence which is English in our case and click on next.
प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस बिलो वेयर करिस्पॉन्डेंस कैन बी सेंड. सो ये ऐसी ईमेल आईडी आपको देनी है जिसमें ये आपको ईमेल सेंड कर सकें जो भी इंफॉर्मेशन होगी. सो आई ऑलरेडी हैव माई ईमेल आईडी प्रोवाइडेड हियर. देन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट. माई सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड. आई विल गो टू दिस थर्ड एप्लीकेशन फॉर्म विच इज स्टडी एंड लैंग्वेजेस. आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट फॉर्म. And this is about my education history. So the first question is, has Chimes of Life finished high school or any higher education? So for sure, so yes. Field of study kya hai? So I'll just say computing or information technology. Since what year? So ye aapko batana hai ki aapne kab se start kiya hai. So I'll just say I'm just selecting some random year and random month. This is my current study. So, agar aap still apne padhai kar rahe ho, then you will select yes. But in our case, it is no, kyunki humne already complete kar rakhi hai. So, agar aap select karte ho no, to it will ask you ki aapka jo passing year hai, wo kya tha. So, you will just give your passing year. Select your passing year and passing month. And then complete full academic year. So since this is a bachelor's degree, so I'll just select 4. Full time hai ya part time? So this is full time. Standing at the end of study period. So ye pooch raha hai ki in good standing, but no certificate, certificate or diploma. So ye pooch raha hai ki aapke paas certificate ya diploma ya degree awarded hai ya nahi. So in our case, it is yes. कंट्री ऑफ स्टडी, आपकी जो भी पढ़ाई हुई है वो कौन सी कंट्री में हुई है. सो यू विल सिलेक्ट योर कंट्री ऑफ स्टडी, योर टाउन और सिटी एंड नेम ऑफ स्कूल. सो आई विल जस्ट सिलेक्ट एनीथिंग. लेवल ऑफ एजुकेशन इज बैचलर्स डिग्री. वॉज चाइम्स ऑफ लाइफ अवॉर्डेड अ कैनेडियन डिग्री? सो दिस इज नो. Has Chimes of Life had an educational credential assessment? So ये जैसे ही आप no select करोगे इस question के लिए, ये आपसे ये पूछेगा कि क्या आपने ECA करवा रखा है. अगर ECA करवा रखा है then you will select yes. अब ये next questions आ रहे हैं कि कौन से organization से आपने ECA करवा रखा है. So there are already a lot of organizations. इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया, you can just go and visit that, कि कैसे आप ECA apply कर सकते हो और कौन कौन से organizations होते हैं. So we have done it from West, so we'll select West. और ये आपसे ये पूछ रहा है कि डेट जब भी आपका ECA रिपोर्ट इशू हुआ है, तो दिस इज़ जस्ट टू चेक कि आपका जो ECA रिपोर्ट है ये वैलिड है या नहीं. सो यू विल जस्ट सेलेक्ट दैट एंड दिस इज़ योर सर्टिफिकेट नंबर. सो जो भी आपको ECA आपको रिपोर्ट मिला होगा, उस रिपोर्ट में आपका एक सर्टिफिकेट नंबर होगा. सो जस्ट प्रोवाइड दैट सर्टिफिकेट नंबर हियर. योर लेवल ऑफ एजुकेशन शोन ऑन ECA रिपोर्ट. सो जब भी आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अप्लाई करते हो या फिर जब भी आप एक्सप्रेस एंट्री में एप्लीकेशन डालते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि वॉट एवर योर लेवल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू इज डजंट मैटर. आपको ये देखना है कि जो ECA ने आपको रिपोर्ट सेंड करी है उसमें आपकी डिग्री को वो क्या इक्विवेलेंट डिग्री बता के सेंड करती है, वो एग्जैक्ट डिग्री आपको यहाँ पे फिल करना है. सो वो लेवल ऑफ एजुकेशन जो ECA ने आपको सेंड किया है वो आपको यहाँ पे सेंड करना है. सो आई सेलेक्ट बैचलर्स डिग्री and save an ad. So ये यहाँ पे again इस table में ये मेरा information save हो गया है. If you have like master's degree और अगर आपने कोई diploma करा है, so then you can again go and select whatever you want to select. और जो भी आपकी master's degree information वो सारी यहाँ पे करनी है और based on your entry यहाँ पे add होते जाएंगे रोज़. But in our case we have only done bachelor's degree, so we'll select bachelor's and then click on next. अब ये नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ये IELTS या सेल्पिप जो भी आपने दिया है उसके लिए है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन चाइम्स ऑफ लाइफ कम्युनिकेट इन इंग्लिश? सो येस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस. और इसका ऑलरेडी आंसर यहाँ पे प्रीफिल्ड है क्योंकि हमने पहले इसको फिल कर रखा है. सो वहाँ से इसने ऑटोमेटिक ले लिया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैज चाइम्स ऑफ लाइफ टेकन एन अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट? सो येस, लैंग्वेज टेस्ट हमने IELTS दिया था. लैंग्वेज टेस्ट वर्जन क्या था? सो जनरल ट्रेनिंग. सो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप IELTS के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए कर रहे हो,
तो यू विल हैव टू गिव आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग. देन डेट ऑफ आईएलटीएस टेस्ट, ये प्रीफिल्ड आ रहा है. डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट, तो आई विल जस्ट गिव एनी रैंडम डेट. 14 डेज लगते हैं इसके रिजल्ट आने में, सो यू विल गिव एनी डेट. लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट फॉर्म और सर्टिफिकेट नंबर. सो आपके आईएलटीएस के जो रिजल्ट आपका जो आता है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ रैंडम नंबर हियर एंड दिस इज माई स्कोर दैट इज कमिंग फ्रॉम माई प्रीफिल्ड फॉर्म. हैज टाइम्स ऑफ लाइफ टेकन एन अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट टू असेस देयर फ्रेंच स्किल्स. सो हमारे पास फ्रेंच स्किल्स नहीं है, सो वी विल जस्ट से नो, सेव एंड एग्जिट. So you will see the third application form is also filled. Now we'll jump into the fourth one, that is application details. We'll click on start form. यहाँ पे ये जो पहला question है, which provinces or territories would Chimes of Life consider leaving in? This is not just a question. You have to just make sure कि आप बहुत ही wisely इस question का answer दे रहे हो. So even though you want to come to Ontario or Manitoba or British Columbia or Alberta, don't select specific province. You always select all provinces and territories because sometimes क्या होता है कि हमारे जो सी आर एस स्कोर हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, तो किसी भी ड्रॉ में, एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में हमारी प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट नहीं होती है. तो वी वुड नीड कि जितनी भी अलग प्रोविंसेस हैं अगर वो ड्रॉज निकाल रहे हैं तो हमें पीएनपी के थ्रू उस सब में एप्लीकेशन करने की कैपेबिलिटी हो. सो उसके लिए अगर आपने एक स्पेसिफिक मैनिटोबा सेलेक्ट किया है तो आप ब्रिटिश कोलंबिया के लिए नहीं जा सकते, आप ओंटारियो के लिए नहीं जा सकते, आप किसी और के लिए नहीं जा सकते. सो मेक श्योर कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा ऑल प्रोविंसेस एंड टेरिटरी सेलेक्ट करें. So now the next question is, I authorize the British Columbia Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training to collect from Immigration IRCC. So ये बस ये एक आपसे consent ले रहा है कि जो भी different provinces हैं वो चाहें तो आपकी information को ले सकती हैं और वो collect करके अपने किसी data में उसको save कर सकती हैं just to validate और अपनी third parties, जैसे वो कई बार होता है कि आपकी verification कराते हैं, so उन सब के लिए. So you will just say yes. और यहाँ पे ओंटारियो ने भी अपना एक कंसेंट डाला है, सो यू विल जस्ट से यस. ये इसलिए होता है कि समटाइम्स ओंटारियो जो है वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के थ्रू आपको नॉमिनेशन सेंड करती है. सो उन सब के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, हैज टाइम्स ऑफ लाइफ रिसीव्ड अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटोरी. ये पीएनपी के लिए पूछ रहा है. अगर आपके पास पीएनपी की तरफ से कोई भी नॉमिनेशन है, कोई भी प्रोविंस की तरफ से नॉमिनेशन है, सो यू विल सेलेक्ट येस, आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं उसके. अगर नहीं है तो यू विल सेलेक्ट नो एंड क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट. सो हमने अपना एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया. अब नाउ विल गो टू द रिप्रेजेंटेटिव. ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जो होता है वो उनके लिए होता है जो अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कंसल्टेंट से करवाते हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से करवाते हैं. सो अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से करवा रहे हो तो अभी तक हमने जो भी फिल किया वो सारे प्रोसेस वो खुद करते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. लेकिन हमारे केस में अगर हम ये खुद से अप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल सेलेक्ट नो बिकॉज यू डोंट वांट एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट हियर. सो यू जस्ट सेलेक्ट नो एंड क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट. तो ये भी हो गया. एंड नाउ द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म इज वर्क हिस्ट्री. सो यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट फॉर्म. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, 4-डिजिट एनओसी कोड. सो व्हाट इज एनओसी कोड? आपका एनओसी कोड वो होता है जो आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में भी एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपका एक एनओसी कोड होता है. जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है. सो इफ़ यू आर अ मैनेजर इन ट्रांसपोर्टेशन, योर एनओसी कोड विल बी 0731. इफ़ यू आर मैनेजर्स इन नेचुरल रिसोर्सेज, योर कोड विल बी 0811. सो अकॉर्डिंगली आपको इस पेज पे आना है एंड यू हैव टू चेक कि आपका एनओसी कोड क्या है. चूज योर एनओसी कोड वाइजली. अगर आपके पास ऑलरेडी है सो यू हैव टू सिलेक्ट इट हियर. अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च. सो आई नो माई एनओसी कोड. सो एंड देन डेट चाइम्स ऑफ लाइफ फर्स्ट बिकेम क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इन दिस ऑक्यूपेशन. सो दैट मैंने ये 2173 एनओसी कोड सेलेक्ट किया है. तो फर्स्ट डे ऑफ एक्सपीरियंस यानी आपकी जो जॉब थी उसका जो फर्स्ट डे था वो क्या था, इस एनओसी कोड में जो आपका फर्स्ट डे था वो कौन सा था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज चाइम्स ऑफ लाइफ हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटोरी. सो हम लोग को कैनेडियन प्रोविंस की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सो विल सिलेक्ट नो,
click on next. The next question is, does Chimes of Life have a job offer in Canada? So in our case it was yes, but you select no agar aapke paas nahi hai to. Then click on next. Does Chimes of Life have any work history? So aapke paas work history hai, aapne kaam kiya hai, aapke paas experience hai, you will select yes. Aur jaise aap yes select karte ho, aapse ye poochta hai ki aapka kab se aapka experience kya kya hai. So based on whatever experience you have, you will just select everything. So jaise maine yahan 2012 aur March select kiya hai aur maine ye likha hai ki this is my current job. To iska matlab ye total 2012 se leke 2020 tak count karega kitna experience hai. Based on that wo determine karta hai ki aapne jo bhi experience provide kiya hai wo sahi hai ya nahi. I'll select this is my current job. Now आपके करेंट जॉब में जो भी आपने किया है वो फुल टाइम है या नहीं, उसके लिए यहाँ पे ये आवर्स पर वीक पूछते हैं. सो इन जनरल आवर्स पर वीक क्या है, सो आई जस्ट गो फॉर 40 आवर्स पर वीक. फोर डिजिट एनओसी कोड, सो ये एनओसी कोड फोर डिजिट क्या था, सो जो आपने फिल किया है वही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल रखा है कि मेरे सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो 2173 में है, तो यहाँ पे भी 2173 ही होना चाहिए. योर जॉब टाइटल, सो जस्ट गो विद योर जॉब टाइटल, जो भी आपका जॉब टाइटल है. एम्प्लॉयर कंपनी नेम, एंड इफ यू आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और सेल्फ एम्प्लॉयड, जस्ट से सेल्फ एम्प्लॉयड. आपकी कंट्री क्या है, सो जस्ट सेलेक्ट द कंट्री, सिटी एंड सेव एंड ऐड. सो यू एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक रो आ गया है इस टेबल में. तो अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, वो सारे आप एक एक करके ऐड करते जाएंगे और वो सारे यहाँ पे इस टेबल में ऐड होते जाएंगे. यू अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो यू कैन इवन क्लिक हियर ऑन मॉडिफाई, और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो और इवन आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपने गलती से कुछ ऐड कर दिया है तो. नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. रिसर्च मैंडेटरी क्वेश्चन है, बट यू डोंट हैव टू से येस और नो. ये आपके प्रोफाइल को किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करता है. अगर आपने नो भी कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये बस IRCC यूज़ करती है कुछ इवेल्यूएशन के लिए, अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए. तो इसीलिए वो चाहती है कि आप इसको सेलेक्ट करें एज येस, सो दैट दे कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन. सो इट इज़ सेफ, इट इज़ ओके, सो जस्ट गो फॉर येस. And then the next question is, have you looked for a job in Canada in your primary occupation? क्या आपने अपनी job जो आपकी primary occupation है उसमें देखा है कि Canada में कितनी jobs हैं, कैसे हैं? So you will just say, I have done some research to find a job in Canada. अगर आपके पास already job offer है तो just go for that. And then just select this one. Then based on that, they will give you another question. Have you checked to see if your education and work experience in your primary occupation would be accepted? तो ये yes होगा. With whom did you check? तो ये बस पूछ रहा है किससे चेक किया है. सो जस्ट गो फॉर एनी थिंग, सो आई विल जस्ट से फ्रेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम जॉब्स आर रेगुलेटेड इन कैनेडा, यू वुड नीड लाइसेंस और सर्टिफिकेशन. सो यहाँ पे ऐसा है कि कैनेडा में कुछ जॉब्स जो हैं वो रेगुलेटेड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इन सब की जो जॉब है वो रेगुलेटेड है. उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस और सर्टिफिकेशन चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो. सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दैट. सो ये पूछ रहा है, डू यू नो इफ़ योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन और ट्रेड इज़ रेगुलेटेड. सो यू विल जस्ट सेलेक्ट नो, यानी कि आपका जो जॉब है वो रेगुलेटेड नहीं है. सो जस्ट सेव एंड एग्जिट. सो ये आपका हो गया, सारे के सारे फॉर्म हमने फिल कर दिए हैं, एंड इट विल टेक यू अराउंड 10 to 15 minutes टू फिल ऑल दीज फॉर्म्स. और ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होता है. नाउ यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू. दिस इज़ योर डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पेज. यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है, यहाँ पे बस यही बोलते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सही है या नहीं, और आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है. अगर आपका एक्सपीरियंस 5 years है तो आपने 5 years ही बोला है, 6 नहीं बोला है, 7 नहीं बोला है. अगर आपका नाम ABCD है तो आपने ABCD ही बोला है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हुई तो इन सम केसेस कैनेडा कैन इवन बैन यू फॉर 5 years. सो जस्ट मेक श्योर कि आप सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो. सो आई जस्ट से आई अग्री and my name
व्हाट इज़ योर फेवरेट कंट्री, सो सी हाउ इम्पॉर्टेंट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन इज. जो भी हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर वहाँ पे डाला था वो यहाँ पे पूछ रहा है, जस्ट टू मेक श्योर कि दे आइडेंटिफाई यू. नाउ आई हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन साइन. सो ये हो गया सिग्नेचर. सो सिग्नेचर इज कम्प्लीट. Now you will see at the end of the screen you will see transmit. So जैसे ही आप transmit को click करोगे आपका जो ये profile है express entry profile वो express entry pool में चला जाएगा. So right now I am not clicking on transmit क्योंकि ये फालतू में एक application जिसका कोई मतलब नहीं है वो express entry pool में चला जाएगा. So I don't want to rush express entry pool with the wrong information. तो इसीलिए मैं ये transmit पे click नहीं कर रही हूँ. But once you click on transmit आपका ये application जो आपने fill किया है वो express entry pool में चला जाएगा और next जो भी draw आपका होगा अगर आपका CRS score उस draw के according है तो दे विल पिक योर एप्लीकेशन और आपको ITA मिल जाएगा. सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजिली आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईजिली आप फिल कर सकते हो. तो आई होप बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कितना सिंपल था ये प्रोसेस और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ था क्योंकि ये सबको होता है कन्फ्यूजन हर एक स्टेप पे. तो जो हमने अपना प्रोफाइल है वो विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट ही करवाया था बट क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था उस समय और बहुत ज़्यादा रश था. बट अगर आपके पास टाइम है और आप खुद से कर सकते हो और आपको साथ में कुछ पैसे भी सेव करने हैं तो एक अच्छा तरीका आप खुद से कर सकते हो. बहुत सिंपल तरीके से ये हो सकता है. सो यू कैन गो विद दैट. इट्स ऑन योर चॉइस. And best of luck for filling your application form. So guys, this is all for today's video. I hope आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पे या चैनल के इंस्टा पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाइक दिस. हम लोग पीआर सीरीज में और वीडियो कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ जो कि हमारा जो लाइफस्टाइल ब्लॉग है वो भी कंटिन्यू रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. So see you again in our next video. Till then, take care of yourself. Bye.